हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 के बेसिक्स करेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, यानी कि दो फ्रैक्शंस को आपस में कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। हम आपको ये एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाएंगे स्टूडेंट्स। तो पहला एग्जाम्पल है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 9/4। तो 1/2 भी फ्रैक्शन है और 9/4 भी फ्रैक्शन है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये न्यूमरेटर में 9 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है। तो ये 9 और 2 क्या ये आपस में डिवाइड हो सकते हैं? देखिए 9 2 के टेबल में नहीं आता है, तो 9 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 1 × 9 करेंगे तो 9 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में है 2 और 4, तो 2 × 4 करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है। तो अगर आप चाहें तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके भी दिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 15/16। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास दो मेथड हैं, हम एक एक करके दोनों आपको सिखाएंगे। देखिए पहला मेथड तो ये है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 × 15 करेंगे तो न्यूमरेटर में आपको 30 मिलेगा, डिनोमिनेटर में 3 × 16 करेंगे तो आपको मिलेगा 48। अब 30 और 48 दोनों किसके टेबल में आते हैं? ये दोनों ही 6 के टेबल में आते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि 30 और 48 2 की टेबल में भी आते हैं, 3 की टेबल में भी आते हैं और 6 की टेबल में भी आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सबसे बड़ा नंबर ऐसा ले लें जिसमें कि ये दोनों ही नंबर्स आते हैं, तो आप इनको इजीली काट सकते हैं। कैसे? ये दोनों 6 की टेबल में आते हैं, तो देखिए 6 5 द 30 एंड 6 8 द 48, तो आपको क्या मिल गया? 5/8। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 5/8। तो हमने यहाँ पर आपको यह बताया कि 30 और 48 अगर एक ही नंबर में आते हैं तो आप उस दोनों ही नंबर्स को उस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं जिस टेबल में ये आते हैं। तो क्योंकि 30 और 48 2 की टेबल में भी आते हैं, 3 की टेबल में भी आते हैं और 6 की टेबल में भी आते हैं, तो जो सबसे बड़ा नंबर है जिसकी टेबल से ये दोनों नंबर्स कट सकते हैं, तो उससे आप इनको काटेंगे तो आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो हमारा फाइनल आंसर आया 5/8। अब इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा मेथड देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 16 है, 16 2 से डिवाइड किया जा सकता है। तो जब ऐसा केस आ जाए जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कट सकते हैं, तो उस केस में आप इनको पहले काट सकते हैं। कैसे? देखिए 2 1 द 2 एंड 2 8 द 16। और अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो ये न्यूमरेटर में 15 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 3, ये 15 भी इस 3 से डिवाइड किया जा सकता है। देखिए 3 1 द 3 एंड 3 5 द 15, यानी हमने कटिंग पहले ही कर ली और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। देखिए न्यूमरेटर में क्या बचा? 1 × 5, तो 1 × 5 करेंगे तो न्यूमरेटर में यहाँ पर 5 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या बचा? 1 × 8, तो 1 × 8 करेंगे तो डिनोमिनेटर में 8 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स कभी भी आप अगर दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपको ये दिखता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में काटा जा सकता है, तो यहाँ पर आप दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहला ये कि आप पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद उनको काट दें आपस में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। और दूसरा मेथड ये कहता है कि पहले ही आप कटिंग कर लें, यानी कि पहले ही न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ आप सोल्व कर लें, उनको काट दें आपस में, और उसके बाद जो न्यूमरेटर में नंबर्स है और जो डिनोमिनेटर्स में नंबर बचते हैं उनको आप मल्टीप्लाई करें। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए दोनों ही केसेस में आपका आंसर सेम आ रहा है 5/8। अब जो ये पहला एग्जाम्पल था स्टूडेंट्स, इसमें हम दो मेथड यूज क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में सॉल्व ही नहीं हो सकते। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में सॉल्व ही नहीं हो सकते हैं, तो इसमें हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। लेकिन जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में सॉल्व हो सकते हैं, वहां हमारे पास दो मेथड होते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। इसके बाद एक एग्जाम्पल और देखते हैं स्टूडेंट्स।
वन अपॉन सेवन इंटू 28/9। अब इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से सोल्व किया जा सकता है। पहले हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। देखिए 1 × 28 करेंगे तो यहाँ 28 आएगा, 7 × 9 करेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में 63 आएगा। अब 28 और 63 दोनों ही 7 की टेबल में आते हैं, तो ये 7 से कटेंगे। 7 × 4 = 28 एंड 7 × 9 = 63, तो आपको क्या मिला? 4/9। अब क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कट सकते हैं, देखिए ये 28 न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में 7 है, क्योंकि ये आपस में कट सकते हैं तो आप दूसरा मेथड भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि कटिंग आप पहले ही कर लें और मल्टीप्लाई बाद में करें। तो देखिए 28 को हम 7 से यहाँ पर काटते हैं, 7 × 1 = 7 एंड 7 × 4 = 28। अब न्यूमरेटर में क्या बचा? 1 × 4 और डिनोमिनेटर में 1 × 9, तो न्यूमरेटर में 1 × 4 करेंगे तो आपको यहाँ 4 मिलेगा, डिनोमिनेटर में 1 × 9 करेंगे तो आपको 9 मिलेगा। देखिए दोनों ही केसेस में आंसर सेम आ रहे हैं, तो इनमें से जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड को यूज कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।